हिम अकादमी विकास नगर की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन अणु एथलेटिक्स खेल मैदान में किया गया, जिसमें स्कूल के खिलाड़ियों ने बढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर मार्च पास्ट के साथ शपथ दिलाकर खेलों का आगाज किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर स्कूल प्रबंधक आरसी लखनपाल, चंद्र प्रभा लखनपाल, प्रिंसिपल हिमांशु लखनपाल, डिप्टी चेयरमैन पंकज लखनपाल के अलावा इंटरनेशनल हैंडबॉल खिलाड़ी निधि ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हिम अकेडमी स्कूल की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान बच्चों ने मार्च पास्ट के बाद रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर इंटरनेशनल हैंडबॉल खिलाड़ी निधि ने भी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की और मार्गदर्शन किया। इससे पहले मुख्य अतिथि निधि को शॉल व टोपी पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि इंटरनेशनल खिलाड़ी निधि ने कहा कि 5 बार इंटरनेशनल खेलों में भाग लिया है। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि खेलों में दिलचस्पी लें और अधिक प्रैक्टिस करें ताकि अच्छे परिणाम सामने आ सकें। निधि शर्मा है, मैं हैंडबॉल की इंटरनेशनल प्लेयर हूं। मैंने 5 इंटरनेशनल खेले हैं और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है और मैं सभी बच्चों के साथ मिलकर बहुत खुश हूँ। और यहाँ पे सभी बच्चे सारे इतना अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं बच्चों को भी यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और देश के लिए कुछ करें और अच्छे से प्रैक्टिस करके। को ये कहना चाहूँगी कि बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से खेलें और डिसिप्लिन में रहें और अच्छे से कॉम्प्रोमाइज करें, देश का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें। प्रिंसिपल हिमांशु लखनपाल ने कहा कि वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है और इसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेलों के प्रति बच्चों की ज़्यादा रुचि हो, इसके लिए स्कूल प्रयासरत है। एनुअल एथलेटिक मीट अनुग्राम भोलेपुर में हो रही है और इसके लिए हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इंटरनेशनल लेवल के हैंडबॉल प्लेयर्स हमारे बीच हैं। मिस निधि, मिस बबिता, मिस ज्योति, मिस आज हमारे बीच हैं और बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। आज बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे एथलेटिक्स की और अपना जौहर दिखाएंगे, अपना हुनर दिखाएंगे। और इस तरह के इवेंट को ऑर्गेनाइज करने से एक बच्चों को मौका मिलता है डिसिप्लिन सीखने का, वैल्यूज दिखाने का और अपने जीवन में आगे बढ़ने का। इसमें डिफरेंट इवेंट्स हैं, हर्डल रेसेस हैं, 100 मीटर, 400 मीटर एंड शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब होता है।